सभी लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन के लिए आह्वान कर रहे हैं और समर्थन मिल रहा है ऐसा लग रहा है। हमने काम किया है, कॉलेजेस बनवाए हैं, ओवरब्रिज बनवाए हैं, ये सब काम हम लोग गिना रहे हैं लोगों को। स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी के बीच में हम लोग सबको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। टिप्पणी नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के आ गई। कांग्रेस ने प्रदेश में पहली सूची जारी कर दी है। प्रत्याशियों की पहली सूची में 30 लोगों के नाम है। कद्दावर चेहरे जिनके टिकट लगभग तय थे उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल हैं, तीसरी पारी के लिए तैयार हैं और विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी हैं। सबसे पहले बधाई आपको तीसरी पारी के लिए, फिर से पार्टी ने आप पर विश्वास। धन्यवाद। क्या कहेंगे, सूची में थोड़ी सी देरी हुई है लेकिन किस तरह से मंथन हुआ है पूरी सूची को लेकर, किस तरह से कांग्रेस तैयारी? नहीं देखिए, पितृपक्ष चल रहा था इसलिए सूची में आने में लेट हुआ। बाकी पहली सूची आ गई है, बहुत जल्दी बाकी सूची भी आ जाएगा। तैयारियों की बात करें भैया, आप खुद अब विधानसभा क्षेत्र में उतर चुके हैं, किस तरह से अब आप चुनावी मैदान में हैं? नहीं, सभी लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन के लिए आह्वान कर रहे हैं और समर्थन मिल रहा है ऐसा लग रहा है। आप लगातार जिन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त भी सुना रहे हैं अपने कार्यकाल की लेकर, क्या लगता है क्या कुछ बड़ी उपलब्धियाँ हैं जिसको लेकर आप फिर से चुनावी मैदान में जाएंगे? नहीं, हमने काम किया है, कॉलेजेस बनवाए हैं, ओवरब्रिज बनवाए हैं, ये सब काम हम लोग गिना रहे हैं लोगों के बीच में। चुनौतियाँ किस तरह की होंगी क्योंकि तीसरा कार्यकाल है, क्या लगता है कहीं ना कहीं जब लंबा कार्यकाल होता है तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, सरकार को लेकर भी होती है, क्या इस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं आपको, किस तरह की तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए, ये तो स्वाभाविक है एंटी इनकम्बेंसी, और स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी के बीच में हम लोग सबको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रायगढ़ सारंगढ़ जिले की बात करें, अगर पूरे जिले में किस तरह से तैयारियां कर रही है कांग्रेस, क्योंकि आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सारे विधानसभा सीटों की, कुछ की टिकटें भी अभी बची हुई हैं, किस तरह से टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है और किस तरह से तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? नहीं, टिकट बहुत जल्दी आ जाएगा, पहला सूची आया है, बहुत जल्दी अगली सूची आ जाएगी और तैयारी ठीक ठाक है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस तरह के कयास बार बार लगाए जा रहे हैं कि कुछ डेंजर जोन की बात भी कही जा रही है, क्या कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? ये मैं अभी इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के आएगी। तो जाहिर तौर पर आत्मविश्वास से लबरेज हैं कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जी, तीसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 सालों में कामकाज किया, विकास कार्य इस क्षेत्र में किए हैं, उन विकास कार्यों के बलबूते वो फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IV24 रायगढ़।